हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गज़लब, है ना। तो जैसा कि मैंने अपने एक पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि क्लाकी एमआरटी से हमें हमेशा एग्जिट जी लेना है और जी लेके सीधे हम सिंगापुर रिवर पे जाएंगे। तो ये देखिए, ये एग्जिट जी हम लोग ले रहे हैं और यहाँ से मैं सिंगापुर रिवर की तरफ बोट की पे जा रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एग्जिट F4G सेंट्रल मॉल की तरफ से है जहां से हम बोट की और क्लाक की पे जाएंगे। ओके, तो आगे जाके हमें लेफ्ट लेना है फॉर एग्जिट जी। तो फ्रेंड्स, यहां से मैं, ये देखिए, ये क्लाक की वाया सेंट्रल एग्जिट जी मेंशन है। तो यहां से मैं लेफ्ट लेके एग्जिट जी की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ आके अगेन हमें एक लेफ्ट लेना है और एग्जिट जी। तो यहाँ पे मेंशन है क्लीनिंग इन प्रोग्रेस, मैं देखता हूँ जरा। हाँ, यहाँ से जा सकते हैं। तो ये देखिए, मैं मॉल की तरफ जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैं अभी एग्जिट जी लकी की तरफ आया। यहाँ से वापस लेफ्ट साइड में एस्केलेटर से ऊपर सेंट्रल मॉल में चले जाएंगे। ये आ गया फ्रेंड्स, मैं सेंट्रल मॉल। यहाँ से मैं राइट टर्न लेता हूँ और राइट टर्न लेके तुरंत ही एक लेफ्ट ले लेता हूँ। यहाँ से फिर से एक लेफ्ट लेना है। ये देखिए, क्रिसमस के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेशन कर दिया है। अभी क्रिसमस आने वाला है तो 1.5-2 महीने पहले से ही शुरू हो जाता है सब। और ये चार्ल्सन की का स्टोर है, इसके सामने से होते हुए हमें सीधे सिंगापुर रिवर की तरफ जाना है। और ये सामने स्ट्रीट हम लोग सिंगापुर रिवर पहुंचते हैं। तो ये बॉस आ गया क्लाक की। ओके, और ये फ्रेंड्स पूरा पार्टी डेस्टिनेशन है। ये देखिए, यहाँ पे अभी लोग बोट राइड भी कर रहे हैं नाइट के समय। मैं आपको थोड़ा सिंगापुर रिवर के दूसरी तरफ लेके चलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे कौन कौन से नाइट क्लब्स हैं। थोड़ा शोर ज़्यादा होगा, है ना, और बैक साइड में ही जूक भी है नाइट क्लब, वो भी थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूंगा, है ना। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। ओके, तो हम लोग ऐसे ही चलते चलते राइट लेके जाना है और आगे से हमें एक यू टर्न लेके सिंगापुर रिवर के ऊपर से, ज़्यादा दूर नहीं है, 4-5 मिनट का रास्ता है, छोटा सा ब्रिज है, वो लेके हमें वापस इस तरफ आना है, यहाँ पर ये क्लाकी की तरफ। ओके, यहाँ जैसे ही हम चलेंगे तो लेफ्ट साइड में नीचे से एक रास्ता गया हुआ है ना, हमें वो ना लेके हमें राइट से ऊपर लेके जाना है ना, राइट साइड चलना है। यहाँ से हम ऊपर से ब्रिज ले लेंगे। ये देखिए, ये वाला ब्रिज, ये लेफ्ट में जाके हमें लेना है। सामने वो UOB की बिल्डिंग है, यहाँ से हम चलेंगे इस ब्रिज से और ऐसे होते हुए हम लोग उस तक पहुँच जाएंगे। फ्रेंड्स, ये अभी मैं सिंगापुर रिवर के ऊपर वाले ब्रिज से एग्जैक्ट क्लाक की जहाँ पर है, जहाँ पर बहुत सारे नाइट क्लब्स हैं, पब्स हैं, उस तरफ जा रहा हूँ। वीकेंड को यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, काफ़ी भीड़ होती है, बहुत सारे लोग यहाँ पार्टी करने आते हैं। कुछ इंडियन पब्स भी हैं यहाँ पे, है ना, तो बहुत ही गजब का पार्टी डेस्टिनेशन है। लेट्स सी कैसा लगता है आपको। देखिए, ये सिंगापुर रिवर है, है ना, इसको बोलते हैं रिवर साइड पॉइंट, है ना, वो जो आगे बना हुआ है, दिस इज रिवर साइड पॉइंट, ठीक है। और यहाँ से हमें उसी तरफ जाना है
ठीक है, और यहाँ से बहुत ही शानदार व्यू मरीना बे सैंड्स का भी आता है, ये देखिए है ना, ये देखिए मरीना बे सैंड्स जो आइकॉनिक बिल्डिंग है, होटल है ना, जो ऊपर शिप से कनेक्टेड है, वो भी यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू है इसका। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपको ब्रिज से ले चलूँ, लेफ्ट लेना है ना, और हम लोग क्लार्की पे आ जाएंगे। ये देखिए हम लोग, ये सामने सेंट्रल मॉल है, यहाँ से हम लोग होते हुए आ रहे हैं। ओके, सेंट्रल मॉल की तरफ से ऐसे घूमते हुए ब्रिज के ऊपर से, और फिर मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ठीक है। और ये अब हम जा रहे हैं क्लार्की की तरफ, यहाँ से मैं शॉर्टकट ले लेता हूँ। बहुत ही अमेजिंग डेस्टिनेशन है ये, वीकेंड को तो यहाँ पे मैंने देखा कई बार इंडियंस वहाँ सामने खड़े होके भांगड़ा कर रहे थे, वो लेफ्ट साइड में ना कॉर्नर में वहाँ खड़े होके ब्रिज के पास में, और चार पांच इंडियंस थे पंजाब से, और वो सब वहाँ पे भांगड़ा कर रहे थे, वही एंजॉय कर रहे थे लोग। तो ये देखिए इंडियंस यहाँ बहुत दिख जाते हैं। चलिए यहाँ पे साउंड काफी ज्यादा होगा फ्रेंड्स, तो हो सकता है आप लोगों को आवाज कम सुनाई दे। ये देखिए ये जो पूरा एरिया है ना, यहाँ पे यूरोप से भी, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, पूरे वेस्ट से बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये पब है जिसका नाम ऑक्टोपस है, यहाँ पे भी इंडियंस गाने बहुत चलते रहते हैं, ठीक है। ये ऑक्टोपस, ये क्या है, बिस्तो बार, गब्बर, ये देखिए गब्बर बिस्तो बार, ये तो इंडियन लग रहा है ना। और ये हम लोग ये क्यूबा, ये देखिए ये भी गब्बर है, और इसके आगे क्यूबा लिब्री कैफे करके हैं। ये देखिए लोग यहाँ बैठ के ड्रिंक करते रहते हैं शाम के समय, नाइट के समय, वीकेंड को तो यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, अमेजिंग भीड़ हो जाती है वीकेंड के समय। ये लिटिल सैगॉन है, ये कौन सा है, पिकास है। ये देखिए अंदर जाके जूक है, यहाँ पे जूक में मैं एक बार आया हुआ हूँ, लेकिन काफी कॉस्टली है जूक, थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। राइट लेना है हमें, ये कैनिंग लेन में राइट लेंगे तो सामने जो है ये जूक है, लेकिन बहुत कॉस्टली है दोस्त फ्रेंड्स। माहौल अंदर अच्छा है, इनका डांस फ्लोर काफी बड़ा है ना, लेकिन बहुत कॉस्टली है। मिनिमम अगर आपको वहाँ बैठने के लिए जगह चाहिए तो 2000 सिंगापुर डॉलर, मतलब करीब 25 लाख रुपए मिनिमम हमें पे करना है। देखिए ये जूक है, ये सिंगापुर का बहुत ही फेमस क्लब है ना, तो मैं एक बार आया था, लेकिन वही था 2 घंटे यहाँ पे कंटिन्यूस खड़ा ही रहना पड़ा मुझे, है ना। बाकी ऑन है ये, यहाँ पे टिकट ऑलरेडी मैंने पहले से बुक करा लिया था, अभी मुझे ध्यान नहीं है, शायद $60 के करीब मेरे को पे करना पड़ा था, है ना, एक बंदे का 60 या 45 आई गेस पे करना पड़ा था, बाकी अंदर जो भी हम ले रहे हैं उसके चार्जेस अलग होते हैं। एंट्री फी शायद $45 थी, वो मैं आपको एक बार थोड़ा सा कंफर्म करूंगा बाद में जब एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जूट का, ठीक है फ्रेंड्स। जो मॉल है जहाँ से हम आए थे, जहाँ पे MRT है, इसका नाम क्लार्की सेंट्रल है, ये देखिए क्लार्की सेंट्रल मॉल। और यहाँ पे लोग बोट राइड भी करते हैं,
ये सिंगापुर रिवर क्रूज यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो यहीं पे लोग बाग काफी सारे बोट राइड भी करने के लिए आते हैं। तो ये देखिए बोट राइड के लिए अभी भी स्टार्ट है, चालू है और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अभी तो ये थोड़ा वेट कर रहे हैं, अभी तो आज अभी इस समय काफी खाली लग रहा है, लेकिन वीकेंड को यही जगह में बहुत भीड़ हो जाती है, काफी सारा रश रहता है यहाँ पे, है ना। आगे भी थोड़ा आपको चल के दिखाता हूँ। यहाँ पर भी देखिए काफी सारे पब्स क्लब हैं सिंगापुर रिवर पे, लॉन्ग ये लोग बैठे रहते हैं यहाँ पे, ड्रिंक्स करते रहते हैं। ये होटल्स हैं और टर्किश लेबनीज फूड वाला है, क्या नाम है, GPA IDL, कॉन्टैक्ट आई डोंट नो कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे उसका, बट टर्किश और लेबनीज फूड के लिए है वो। ये सिंगापुर के घर कहता हूँ, ऐसे ही लोग बहुत सारे बैठे रहते हैं यहाँ। ये रिवर साइड पॉइंट है, तो पूरा सिंगापुर रिवर के अलोंग सारे बार्स पब्स क्लब्स हैं, ये टोमो टोक्यो करके है, है ना। तो जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिखा रहा था यहाँ का, है ना, कि क्या है यहाँ पे। अब चलिए देखिए, हो सके तो मैं आपको अब लेके चलता हूँ रिबोट की तरफ, आपको लेके चलता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ कॉर्नर पे, और यहाँ से मैं आपको दोबारा उसी तरफ लेके चलता हूँ, है ना, और वहाँ से फिर मैं आपको क्लाकी की तरफ लेके चलता हूँ, ओके। तो फ्रेंड्स ये मैं आपको दोबारा लेके चलता हूँ क्लाकी की तरफ, और वहाँ से फिर बोट की जाएंगे। देखिए सिंगापुर रिवर का ये व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो ये अब हम क्लाकी पे, क्लाकी सेंट्रल मॉल की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ से फिर लेफ्ट लेके सीधे बोट की तरफ निकलेंगे ना। तो मैं अंडर ब्रिज से भी जा सकते हैं और ऊपर से भी जा सकते हैं, तो चलिए मैं अंडर ब्रिज से आपको लेके चलता हूँ, जहाँ पे कुछ लोग साइकिलिंग करते हुए जा रहे हैं, तो दिखते होंगे आपको, तो यहाँ से मैं आपको लेके चलता हूँ।